कबीरनगर जनपद के सिमरिया ब्लॉक के उचहरा कला गांव में प्रधान व सेक्रेटरी की मिलीभगत से 50 लाख के सरकारी धन के गबन से और दुरुपयोग का मामला सामने आया। शौचालय खडंजा नाली के बिना निर्माण कराए ही पैसा निकाल लिया गया। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी ने देश को ODF घोषित कर दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव में अब शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। गांव के अब्दुल्ला ने CM पाटिल और DM से शिकायत पर जब जांच शुरू हुई तो इसका खुलासा हुआ। गांव को 2018 में ही ODF घोषित कर दिया गया था। उस समय प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से 518 शौचालय का निर्माण दिखाया गया, जबकि मौके पर 225 शौचालय का ही निर्माण कराया गया था। CM पोर्टल पर जब शिकायत पर DM ने जांच शुरू कराई तो प्रधान द्वारा अब शौचालय का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। एक दिन में 10 शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा जो मटेरियल प्रयोग किए जा रहे हैं वो मानक के विपरीत है। 3rd ग्रेड के ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है जो हल्की सी टक्कर से टूट जा रहे हैं। शौचालय निर्माण करने वाले राजकीय मिस्त्री का कहना है कि दो लोग मिलकर एक दिन में 3 शौचालय बना लेते हैं। शौचालय बनाने वाले मिस्त्री का कहना है कि 2 से 3 साल शौचालय चला जाएगा। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गुणवत्ता का शौचालय निर्माण हो रहा है। इसके अलावा खडंजा निर्माण के नाम पर 25 लाख से ज्यादा का गोलमाल किया गया, बिना खडंजा लगाए ही सरकारी धन निकाल लिया गया। वहीं DM का कहना है कि मामले की जांच शुरू कराई गई है, लेकिन प्रथम दृष्टता सरकारी धन के गबन की बात सामने आ रही है। प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दोनों से सरकारी धन की रिकवरी भी की जाएगी। आज उत्तर प्रदेश डाक मंडल प्रमंडल के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत एक साइकिल रैली निकालने का आयोजन किया गया था और डाक विभाग के मुख्य कार्यालय यहाँ से चौक तक ये लोग रैली निकाले। सैकड़ों की संख्या में विभाग के कर्मचारी और अधिकारी गण हैं और ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता का जो संदेश है उसको उसकी स्वच्छता संदेश को समाज के अंदर देने के लिए, प्लास्टिक मुक्त भारत को करने के लिए और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सिनारे को चरितार्थ करने के लिए ये आज ये रैली का आयोजन डाक विभाग द्वारा किया गया है। साइकिल रैली का ये रैली कैंटोनमेंट के पास में इनका जो मुख्य कार्यालय है परमंडल कार्यालय है डाक विभाग का, वहाँ से और चौक के तक ये रैली जा रही है और ये एक अच्छा इससे वातावरण बनता है, समाज के अंदर एक संदेश जाता है कि सब लोग स्वच्छता के लिए लगे हुए हैं और आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान के माध्यम से माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी ऊंचाइयों पर पहुँचाने के लिए विश्व स्तर पर स्थापित करने का जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है और स्वच्छ भारत जो एक नारा दिया फिट इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी उसका वो चरितार्थ हो रहा है और वो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ भारत की जो कल्पना थी वो साकार होगी।